गोप्रो तो लेना ही लेना, बाकी यहाँ पे मजे जो वो आप भी ले सकते हो। देखो क्या बात है, तो यहाँ अपना जो गोप्रो वाला स्टोर से ना इतों रसिया का गोप्रो है मॉस्को सिटी से, जे तुम प्राइस देखने गोप्रो के किन्ने तो तुम उस जाके दिखावे। लेडीज़ पूरा यार एकदम परफेक्ट है यार, लोग यहाँ पे चिल आउट पे ज़्यादा मजा ध्यान देते हैं। जो ये लगा हुआ है खाड़ा लगा हुआ है, लाइव लगा हुआ है, और जैसे अपने इंडिया में लगते हैं ना यार सिंगरों के, तो सिंगर का खाड़ा है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आज एक नया व्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं रसिया में। आपको पता है हम रह रहे हैं और यहाँ पे मॉस्को सिटी है। यहाँ पे यार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, कभी आप चलते हो तो आपके गैजेट में प्रॉब्लम आ जाती है, तो अपने पास इतने हैवी गैजेट है नहीं भाई। प्रगट के पास है गैजेट, तो वो गैजेट हो गया ख़राब, मतलब गोप्रो की स्टिक टूट गई। तो यार यहाँ पे गोप्रो शोरूम है, तो आज आपको डिटेल में बताएंगे गोप्रो का यहाँ पे कितना प्राइस है, कितने मिलता है, सारा कुछ डिटेल में बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिए, अगर आप चाहते हो गोप्रो लेना रसिया में आके लेना चाहते हो या इंडिया में लेके आना चाहते हो, कहाँ से आपको बेस्ट प्राइस मिलेगा, अगर अच्छा या सही लगा तो हम भी ट्राई करेंगे, क्योंकि मेरे पास गोप्रो नहीं है, मैं लेने की कोशिश करूँगा अगर बजट में हुआ तो। अदरवाइज़ देखें वहाँ पे जाके, प्राइस देखने के बाद ही पता चलेगा, ये बात तो जो है ना वही ना। बाकी भाई आज का व्लॉग गोप्रो के नाम है, तो चलते हैं। तो दोस्तों धक्के खाते हुए बहुत ही हार्ड तरीके से पार्किंग से जंप लगा के इधर उधर से जुगाड़ करके आए हैं, जैसे आपको पता ही यार जुगाड़ी तो है ही थोड़े, तो इस रास्ते से आए हैं जैसे आपने देखा है, और मतलब खूबसूरत ही हुआ है। यहाँ से एक साइकिल खड़ी है, अगर दो होती तो हम यहाँ से हायर कर लेते, क्योंकि अभी हमारा टाइम पड़ा है साइकिल लेने का, पर यार अभी एक साइकिल है ना इसलिए नहीं कर रहे हैं। भाई बत्ती हो गई है, अब हम लग रहा है अभी जल्दी से पहुँच जाएंगे, क्योंकि यहाँ का व्यू थोड़ा सा अच्छा खासा है यार, बिल्डिंग तगड़ी है। गोप्रो लेना तो यार आपको पता है तगड़े हो, क्योंकि वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है उसमें यार। ये पीपी वॉज कर रहा ना कि ये मतलब वॉकिंग का है, तो हम वॉकिंग कर रहे हैं अभी, और देख सकते हैं बिल्डिंग यार पूरा एकदम धांसू काम वर्क है। और आपका भाई यार देसी स्टाइल, ये देसी स्टाइल नहीं है भाई, देसी जला देसी लगा, देसी तो है यार, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, कोई कुछ कहे नो प्रॉब्लम। लोग कमेंट करेंगे मैंने क्या कर रखा है यार, कर रहा हूँ कोई बात नहीं यार, पता क्या यार यहाँ पर ठंडी बहुत है, मौसम बहुत ठंडा और जुकाम ऊपर लगा हुआ है, तो मैंने सोचा अभी ऊपर बांध लेते हैं सिर के ऊपर, सिर में ठंड ना लगे, और जब आते आएंगे तो मुँह वहाँ पे अच्छे ढक के आएंगे। अभी चलते हैं गोप्रो स्टोर पे और रास्ते में आपको दिखाते हैं यार क्या होता है, क्योंकि अभी तक थोड़ा सा हार्ड हुआ मेरा साथ, क्योंकि हमने थोड़े धक्के खा के आए हैं, अब सारी तो चीज़ कवर नहीं की हमने, पर ठीक है यार, गूगल मैप ने थोड़ा सा मतलब धोखा दे सकता है। अगर आप गूगल मैप की क्या गलती है यार, आगे से रास्ता ही बंद करके लॉक लगा रखा है, तो क्या कर सकते हैं ना, बाकी जुगाड़ लग जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी दिखाते हैं स्ट्रीट का व्यू, देखो यार पूरा मतलब सिस्टमेटिक एंट्रेंस हो रही है यहाँ पे, कोई वो बात नहीं है, बेल बज रही है तभी यहाँ से जा रहे हैं, नहीं तो पॉसिबल नहीं हो पता ना। कितना अच्छा, देखो यार व्यू, जाने वाले एक साइड में, आने वाले एक साइड में, एकदम परफेक्ट काम हो रहा है भाई, देख सकते हो आप, कोई मतलब वो नहीं है। और इस साइड में मेट्रो खड़ी है, आप देख सकते हो ट्रेन, और पूरे लोग यार सेंसेबल है, अच्छा है, देखने में मज़ा आ रहा है, मतलब यहाँ पे तो रूल फॉलो करने में मज़ा आ रहा है यार, जो आपको सही बात बताऊँ ना, नहीं तो बताइए आपको यार कौन करता है फॉलो इतने रूल, ठीक है ना। अभी आगे चलते हैं, देखते हैं गोप्रो क्या यार, वैसे व्यू देखने का मज़ा आ रहा है, गोप्रो तो मिल ही जाएगा क्योंकि यहाँ प्रोफेशनल गोप्रो की शॉप है ना इसलिए। तो दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं जो स्ट्रीट है ना, मेन स्ट्रीट गोप्रो के यहाँ पर शोरूम है, वहाँ पर पहुँच गए। रौनक तो यहाँ पर भरी पड़ी है यार, उस साइड में देखो आप पूरा मतलब है, इस साइड में आपको ये देखो शॉप लगी हुई है, बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, किसी को कोई वो नहीं है ना, मज़ा आ रहा है। गोप्रो तो लेना ही लेना है, बाकी यहाँ पे मज़े जो वो आप भी ले सकते हो। देखो क्या बात है यार, एकदम परफेक्ट है, लोग खाने पीने के लिए फूड बियर वगैरह देख लो बाहर ही पी रहे हैं, बाहर ही खा रहे हैं, ग्रुप में सिकटें चल रही है, कोई वो नहीं है, कुछ नहीं है यार, आराम लोग रहते हैं, जैसे लोग रहते हैं सेम, मज़ा आ रहा है यार, आप देख सकते हो कोई वो नहीं है। अभी ट्रैफिक जब आप जब यहाँ पे मेन निकलता है ना, मतलब लोग आदमी लोग निकलता है तो लोग गाड़ियाँ रुक जाती है, और जब गाड़ियाँ चलती है तो आदमी रुक जाते हैं, सारे सेंसेबल है यार, बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है। लोग इतना क्राउड यहाँ पे पता नहीं क्यों है, ये पब्लिक प्लेस आई थिंक, आई डोंट नो। तो पता क्या है, ये साइकिलें यहाँ पे खड़ी है, अगर हमें वहाँ पे मिल जाती ना हमारे घर के नज़दीक, वहाँ पे साइकिलें थोड़ी कम मिलती है पता नहीं क्यों, यहाँ पे तो इतनी साइकिल खड़ी है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वहाँ पे साइकिल नहीं मिली इसलिए हम बाई वॉक करके आए हैं, और डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था, तो बाई वॉक यार आपको पता है थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, और फिर गूगल मैप के ऊपर आए थे वो तो शॉर्टकट था,
और शॉर्टकट में तो आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हैं। देखो यार क्या बात है, अपना अपना इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, कोई वो नहीं है। तो सारे यार चिल आउट कर रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस है, एकदम परफेक्ट काम है यार। देखो यार मज़ा आ रहा है वाकई में। तो ऐसे पब्लिक प्लेस में ना, मॉस्को और पब्लिक प्लेस में ना हो तो कोई मज़ा नहीं है यार। अब देखो यार चिल आउट हो रहा है, छोटी छोटी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, कैडिलिक जा रही है, देखो यहाँ पे लेक्सस, ये देखो लेडीज़, पूरा यार एकदम परफेक्ट है यार। लोग यहाँ पे चिल आउट पे ज़्यादा मज़ा ध्यान देते हैं, ना कि किसी और चीज़ पे। तो अच्छा लग रहा है यार, एक दूसरे सेंस बहुत है यहाँ पर लोगों को यार, एक दूसरे को थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहे हैं यार। वीडियो शूट हो रही है ना, तो जो लोकेशन पे जाना था वो उल्टा हो रहा है, तो प्रकट का भी ध्यान वहीं पे यार, मेरा भी बाकी अच्छा इतना ही है। चलो कोई नहीं, हम चलते हैं यार, अब चलते हैं GoPro वाले पे यार। दोस्तों फाइनली पहुंच गए हैं GoPro वाले स्टोर पे, तो बहुत सोना आए थे यार, देखो टेंट लगा कितना सोना, इतने अंदर लोग इंजॉय कर रहे हैं, खा पी रहे राशन, मतलब पूरा लग्जरी का मैं तो यार। अपना जो GoPro वाला स्टोर से ना, इतों रसिया का GoPro है मॉस्को सिटी से, जे तुम प्राइस देखने GoPro के किन्ने, तो तुम उस जाके दिखावे। तो हम चले हैं GoPro के अंदर स्टोर के, देखे कि वरायटी की है, इतने स्टिक स्टुक लगी है सारी, किन्ने रेट सारे लिखे, तुम आप देख सकते हो जिहड़ा GoPro तुम पसंद है सारा देख लो। GoPro कैश सिम कार्ड सारा वो लगे हुआ है, GoPro 9 जो है ना देख लो 40,000 का 9 ब्लैक जो है ना, जो 8 है वो 31,000 का, शायद 31,900 का जो GoPro 8 है। वधिया सारा मतलब एंड कम केश कुछ सारे पे जी तुम देखनी होना सारा कुछ मिलेगा इतने। बहुत ही स्टिक लगी हैं, सारिया स्टिकों के रेट देख लो भी किन्ने 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 नहीं है। असं हम देख रहे हैं बाय करेंगे GoPro का स्टोर बाय करेंगे, इतने जी बैग बूग पैक है GoPro जी, बैग पैक किमें करने किमें नहीं करने सारा इतने है। वधिया इतने देख लो आ GoPro का कैश, मतलब हर 1600 रुपया कोई किन्ने का कोई किन्ने का अड्ड अड्ड प्राइज है सारे। तो मेन जो GoPro के लेंस लगता ना, वो लेंस देख के लगे सारे, एक लेंस लगे हैं इतने, मतलब कोई डार्क कोई ब्लैक सारे लेंस लगे हैं इतने, रेट लगे हैं सारे इतने। बैटरी पी है, चार्जर पी है सारा, GoPro 8 की 9 की सारा, मतलब पूरा वधिया सिस्टम है यार, सानू बहुत वधिया लगे। रेट रूट देख लिया तुम्हें सानू GoPro का, ये रेट है इतने GoPro का, तो सानू तो वधिया लगे। बाकी देखते कि टूटी किन्ने की, तो भाई जो चीज़ हमारा इक्विपमेंट प्रकट का टूटा था ना, वो यहाँ पे 2100 रुपये का है, तो यहाँ से बाय करेंगे, मतलब इंडिया के 2100-2200 की है, कोई ज़्यादा प्राइस ज़्यादा नहीं है, तो अच्छा हो गया ये काम मिल गई यार। बाकी बहुत अच्छा स्टोर है, बहुत बड़ा स्टोर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली 7000 रुपये लग गए हैं, रूबल लग गए हैं, 7090 रुपये लग गए हैं, और सर ने बहुत ही अच्छा दिया है, हमें सर रिस्पॉन्स दिया है, और बहुत ही अच्छा, मतलब सारा मेन बात है माल ओरिजिनल मिलता है यहाँ पे, कोई वो डुप्लीकेशन नहीं है। और GoPro जो 7 का मैंने पूछा, तो वो बोल रहे हैं भी ये मतलब बंद ही हो गया, 7 और 6 सारे सीरीज बंद होगी, ओनली 8 और 9 ही अवेलेबल है, वही मार्केट में आ रहा है। और इनके पास मतलब 2005 में जो कैमरा आया था ना GoPro का, वो पूरा म्यूजियम बना रखा है इन्होंने यार, बहुत ही ब्यूटीफुल, सारे जितनी सीरीज आ रखी है GoPro की सारी यहाँ पे इन्होंने म्यूजियम लगा रखी है। जो अवेलेबल है वो सिर्फ 8 और 9 ही है, और कोई दूसरा GoPro का कैमरा भी लॉन्च नहीं, मतलब बेचने सेलिंग के लिए नहीं है। बाकी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और बढ़िया यार, जो चीज़ क्वालिटी है तो फिर आपको पता है ना, इंडिया में तो डुप्लीकेसी मिल सकती है यार, आपको पता ही है, पर यहाँ पे वो काम नहीं होने वाला, तो इसलिए यहाँ से बाय किया है। तो मैंने जो GoPro का प्राइस थोड़ा मेरे को ठीक लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी क्वालिटी ली, पर भाई इतना अपना बजट नहीं है जो बात है। तो ये 32,000 का पड़ रहा है, और ये 41,000 का पड़ रहा है, तो मैंने बोला कभी बाद में ले लेंगे यार, अभी तो चल रहा है अपना काम, तो ऐसे ही ठीक है, क्यों भाइयों। तो बाकी अभी आपको दिखाएंगे बाहर में जो मज़ा दिखा रहे हैं वो दिखाएंगे, तो चलते हैं वहाँ पे। दोस्तों अभी हम खड़े हैं, जो ये लगा हुआ है खाड़ा लगा हुआ है, लाइव लगा हुआ है, और जैसे अपने इंडिया में लगते हैं ना यार सिंगरों के, तो सिंगर का खाड़ा है यहाँ पे। मेन बात है ऑनलाइन बुकिंग हो रही है, जो पहले बुक कर दी जिसने वही इंटरेस्ट हो सकता है, दूसरा इंटरेस्ट नहीं हो सकता, इसीलिए लोग बाहर भी खड़े इंजॉय कर रहे हैं, देख सकते हो ये भी इंजॉय कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ, तो ये यहाँ से सुन के इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अभी बुकिंग नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? कोविड के करके इन लोगों ने पहले ऑफलाइन बुकिंग कर दी, मतलब ऑनलाइन बुकिंग कर दी, अभी ये चेक करके वहाँ से, और फिर इंटरेस्ट दे रहे हैं, ऐसे इंटरेस्ट नहीं दे रहे हैं। तो हम तो भाई बाहर से देखने वाले हो गए, अभी इंटरेस्ट नहीं कर सकते ना, इसीलिए आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना जो ये फोटो पीछे दिख रहे हैं टोपी वाले भाई साहब, तो ये यहाँ पे सिंगर है, इनका शो लग रहा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे शो देखा है इनका, और देखा तो नहीं यार बाहर से देखा है, बाकी अंदर से कहाँ से देखने का मौका ही नहीं मिला, नहीं तो देख लेते यार। और
ये सिंगर है, बहुत लोग क्रेजी हैं यहाँ पे यार, इंजॉय कर रहे हैं, मज़े कर रहे हैं। अभी वापस हुआ इसे सब स्टेशन पे आ गए हम, मेट्रो स्टेशन पे, और यहाँ से हम जाएंगे उस साइड में। दोस्तों एक बात बताऊँ, यहाँ पे जब लोग आ रहे थे जा रहे थे ना, तो मेरी तरफ देख रहे थे भी ये क्या यार, ये क्या बुला है। तो भाई एक चीज़ मैंने ये पहले ही सोच लिया था, क्यों सोचा पता क्या, जब ये अपने इंडिया में आते हैं ना, कोई भी फॉरेनर आते हैं, तो ये इंडियन ट्रेडिशन को पहन लेते हैं, इनको पहनना ही पता नहीं होता अभी, साड़ी कैसे बांधनी है, सूट कैसे पहनना है, जो मोस्टली लेडीज़ है। तो यार वैसे ही मैंने कहा भी अपने भी यार अपने अपने गांव वाला ही पहनेंगे यार, हमारे गांव में अभी मैं ठंड होती थी तो ये ज़्यादा बांध लेता था, इसलिए मेरे पास ये है। और मैंने कहा ये रशिया में लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ठंड ज़्यादा होती है यार, आपको पता है। बाकी लोग क्या सोचें उनसे फ़र्क नहीं है, लोग कमेंट में कुछ कोई कुछ बोले ना तो अपने को क्या है यार, जिसकी जो सोच है वो तो बोलेगा ही, उनको हम वो नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, ना ही रोकना चाहते यार, ठीक है। बाकी अपने मन को खुशी मिलनी चाहिए, तो सब कुछ खुश है यार, सब कुछ अच्छा ही होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ सोच के मैंने ये पहन के आया हूँ, और थोड़ा सा मज़ा चिल, क्योंकि लोग देखे ना भी यही बाहर से आए हैं भाई, फॉरनर दूर से पता लगे भी, इनको पता लगे भी यार देखो ये फॉरनर, इनको कोई पता ही फीलिंग नहीं है, ये बंदा कोई देखो मैं जा रहे हैं क्यों। तो ये चीज़ करने के लिए मज़ा आ रहा है, अभी वापस जा रहे हैं घर में। तो दोस्तों अभी GoPro शॉप पे जाने के बाद वापस आ रहे, तो बीच में एक यार छोटा सा पार्क मिला, चिल्ड्रन पार्क है, पता नहीं बड़े लोग सारे यहाँ पे, लड़कियाँ झूल रही थी, तो इस झूले पे लड़की झूल रही थी पहले, तो फिर आपका भाई आ गया, मैंने कहा भाई हमें भी झूलने दो, थोड़ी जगह दो, फिर वो बोले स्पासी बॉस ओके नो प्रॉब्लम। सो फिर अपना थान ले लिया झूला, इतने जवाक आते छोटे छोटे पर पता ही पीछे खेल रहे होने, ये देखो फिर आप भी घट नहीं है, जवाक बन गए नज़ारा बाबे फुल। तो इदा ही स्वाद यार, लाइफ चिल है यार, ठीक है, चिलिंग करते रहो यार, नज़ारा आई जाता, वाह झूला रस्सी झूले दे नज़ारे ले रहे। तो दोस्तों हम अभी पहुंच गए हैं अपने घर पे, मतलब कि हमारे होस्ट के घर पे, और जो हमने सामान लेके आए थे ना, वो एक तो ये बैटरी का ये लेके आए थे GoPro का, पूरा केस भी है इसमें चार्ज करने वाला, डबल बैटरी चार्जर है, और एक ये स्टिक लेके आए थे। तो ये इंडिया में या जहाँ पे भी आप देख रहे हैं वीडियो, वहाँ पे कितने रुपए का ये आप कमेंट जरूर बताइए, क्योंकि हमें इनका पे किया है 7000 आई थिंक 7000 रुपये पे किया है, और 2580 का एक था, और ये था बैटरी था 5000 कुछ का था आई थिंक, है ना। नहीं, ये कितने का था अभी प्रकट, हाँ ये 4200 का रूबल का पड़ा, मतलब सेम इंडियन प्राइस ही लगा लो, तो कोई 100-200 ज़्यादा होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, तो मतलब इतने का ये पड़ा है। पर एक चीज़ बताऊँ, ये जो यहाँ से सामान लेने का मेन रीज़न क्या था भी, एकदम क्वालिटी मिले, क्योंकि यार वो एकदम प्रोफेशनल शोरूम था, कोई ऐसी नहीं थी, मतलब दो नंबर का काम तो होता ही नहीं यहाँ पर यार, ना प्राइस की बारगेनिंग होती है, आपको पता ही है यार। तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा, अगर आप ब्लॉगिंग करना शौकीन हो GoPro या कहीं से खरीदना चाहते हो, तो एक बार अपनी कंट्री से बाहर आ जाइए, वहाँ से खरीदने का ट्राई कीजिए अगर आपको पॉसिबिलिटी होती है तो, क्योंकि वहाँ पे आपको क्वालिटी मिलेगी, और जो क्वालिटी है ना यार वो तो उसकी तो आपको पता ही है यार, चलती तो वही चीज़ है ना, पैसे तो देने ही देने हैं, तो फिर क्वालिटी क्या देनी चाहिए ना। तो इसीलिए ये सामान यहाँ से परचेज किया, और ये तो अच्छा लगा, बाकी पूरा व्लॉग आपने देखा, इंजॉय किया होगा। अगर अब तक इस वीडियो को देख रहे हो दोस्तों, तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो कर लीजिए, और क्योंकि आगे ट्रैवल व्लॉग ऐसे आते रहेंगे, क्योंकि अभी तो एक साल घूमना है भाई, तो उसके बाद में अभी करते हैं बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए धन्यवाद।